नमस्कार दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऋषभ पंत ने 85 रन बनाकर तोड़ा 128 साल पुराना रिकॉर्ड। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बने पहले भारतीय बल्लेबाज, तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज दूसरे वनडे मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने केएल राहुल और शिखर धवन की जोड़ी मैदान पर उतरी और दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दी। लेकिन शिखर धवन 29 रन के स्कोर पर आउट हो गए और फिर उसके अगले ही ओवर में विराट कोहली भी 0 रन बनाकर आउट हो गए और भारतीय टीम को लगातार 2 झटके लगे। लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत और केएल राहुल ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय पारी को संभाला और दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी ठोकी। वहीं कप्तान केएल राहुल 55 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन केएल राहुल के आउट होने के बाद ऋषभ पंत भी 85 रन बनाकर बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए और इसी के साथ ऋषभ पंत भारत के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बन चुके हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 85 रनों की पारी खेली है और इसी के साथ ऋषभ पंत ने 85 रन ठोककर 128 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ डाला। अब क्रीज पर वेंकटेश अय्यर और शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी कर रहे हैं और भारतीय टीम का स्कोर 37 ओवर में 207 रन पर 5 विकेट हो चुका है। अब देखना होगा कि क्या भारतीय टीम इस मुकाबले में 300 रन बना पाएगी या नहीं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारतीय टीम यह मुकाबला जीतेगी या नहीं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही क्रिकेट की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।